आपने यूं तो फ्लाइट्स में काफी ट्रैवल किया होगा, महीने में एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, लेकिन एक शख्स ने 110 दिनों में 200 फ्लाइट से सफर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उसका कोई जैकपॉट लगा था, तो आपको बता दें, नहीं। वो फ्लाइट्स में चोरी करके अमीर बना, जिससे वो धड़ल्ले से फ्लाइट्स की बुकिंग करता था और चोरी के वारदात को अंजाम देता था। आरोपी खास तौर पर गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी और अन्य कीमती चीजों की चोरी करता था। हालांकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। अपने मृत भाई के नाम और फर्जी नंबर से टिकट बुक करता था ताकि पकड़ा ना जा सके। डीसीपी उषा रंगनानी के अनुसार आरोपी सीनियर सिटीजन को डिपार्चर से ही फॉलो करता था और कैबिन में बैग एडजस्ट करने के दौरान चोरी कर लेता था। और तो और, आरोपी वैसी महिलाओं को टारगेट करता था जिनके पास हैंडबैग होते थे। आरोपियों के कब्जे से अब तक 4 गोल्ड रिंग, 2 जोड़ी गोल्ड इयररिंग, गोल्ड के 3 ब्रेसलेट, सोने का 1 मांगटीका, चांदी के 3 ब्रेसलेट, चांदी का सिक्का, 660 हीरे सहित अन्य जेम स्टोन बरामद किए गए हैं। आरोपी 2007 से चोरी कर रहा है। 2018-19 तक उसने रेलवे में काफी चोरियां की, लेकिन अब वो ऑन बोर्डिंग के दौरान चोरी करता है और सीनियर सिटीजन महिलाओं को टारगेट करता है। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के दौरान और भी दोषी पाए जाने वाले लोगों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी।